साइड में अब नहीं जाना है, नहीं होने वाली है, बाद में हो जाए क्योंकि शॉर्टकट से ही आ गए, मतलब हट के लोकेशन कटरे जाना है दोस्त। ये यार देख रहो बहुत गंदा लोकेशन है क्या कुछ कर... तो गाइस यार यहाँ की गलियां देख रहा हूँ, मुझे तीन चार ब्लॉक के बाद एक इंशाल्लाह ऐसा गली बता दिया है। तो गाइस यार उस गांव में कुछ मतलब ऐसा गाइस जा रहे हैं छोटी सी राइड पे, बट ज्यादा बड़ी राइड नहीं है क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, हम लोग सुबह के निकले हुए हैं। एक्चुअली एक ब्लॉग बनाया था वो भी बहुत सारा गलत हो गया सुबह से, मतलब सुबह से जो पहले मैंने ब्लॉग बनाया था वो बहुत गलत हो गया, तो उसको डालना ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यार उसमें बहुत गलतियाँ हो गई हैं। तो मैंने फिर हम लोग फिर से निकले हैं दोपहर के बाद, अब टाइम हो रहा है तीन पीएम ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकलना है फटाफट। बट पहले सुबह से निकले थे, सुबह निकले थे 7 बजे, बट वो वाला ब्लॉग तो बेकार हो गया बिल्कुल, उसमें कुछ गलती हो गई थी हम लोगों से, तो इसलिए अब इस वाले ब्लॉग में जा। बट आज मैं घर से सोच के निकला था कि मतलब हर बार हम लोग कटरे जाते हैं, पिछली बार वहाँ स्टैंड पॉइंट का ब्लॉग हो गया था, एक उधर हम लोग गए थे वहाँ हम समीर भाई गए थे ब्लॉग शूट करने, एक उस जगह का लोकेशन का शूट हो गया था ब्लॉग, इसलिए इस जगह का ब्लॉग नहीं आ पा रहा। तो मैंने सोचा है कटरे चलें इस बार, क्योंकि जब मैं कटरे जाता हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है भाई। मैं एक बार कटरे गया था तो यार वो मिल गए थे साइकिल वाले भाई, यार वो बहुत दूर थे, कहाँ से जा रहे थे आसाम से ना ऐसे कुछ जा रहे थे। और एक बार मैं और ब्लॉग शूट करने आया था तो भाई मुझे वो मिल गए थे पैदल जा रहे थे केदारनाथ, यार सोचने वाली बात है भाई। तो मैंने आज भी सोचा यार भाई आज निकला हूँ तो शायद कोई मिल जाए, बट मैं आज घर से सोच के निकला हूँ तो बहुत मुश्किल है। ऐसे मैंने आजकल पहले मैं निकला था मैंने सोचा नहीं था कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ का थोड़ा लंबा भी टूल है, इसलिए यहाँ पे जा नहीं पा रहा है क्योंकि यार वहाँ पे अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा सीन होगा, क्योंकि जब पूरा ब्लॉग वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसे अपलोड करेंगे। अभी 5-6 दिन से उसकी एडिटिंग चल रही है, एडिटिंग पूरी हो जाएगी फिर से अपलोड भी कर देंगे। तो हमने 2-3 दिन ब्लॉग पीछे डाले थे, मतलब समीर भाई यार उसमें पानी में गिर गया था, बहुत बुरा हुआ, हर ब्लॉग में बहुत सैड सा हो रहा, बट यार सोचने वाले बात है पता नहीं क्या शॉकिंग हो जाता है। बट कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारे भाई के साथ ऐसे ही, मतलब कुछ ना कुछ ठीक हो पीछे। और हमें और मेरे समीर भाई हम तीनों लोग जा रहे हैं छोटी सी राइड पे, बड़े गांव में भी जाएंगे, उसका लोकेशन दिखाएंगे अगर ठीक ठाक हुआ, अगर वहां का लोकेशन ठीक नहीं हुआ तो वहां पे यार ना जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गाइस यार उस गांव में कुछ मतलब ऐसे ऐसे हैं, मतलब देखना पड़ेगा, अगर जाते हैं तो ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गाइस जो 3-4 ब्लॉक के बाद एक इंशाल्लाह ऐसा ब्लॉग हम लोग लाने वाले हैं बहुत हटके, उसकी एडिटिंग चल रही है, ब्लॉग तो शूट हो चुका है एक्चुअली, क्योंकि यार उस वहाँ थोड़े बहुत शूट हैं वो हुआ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो बहुत लंबा टूल है वहाँ पे जाना जरूर पड़ेगा तभी पूरी तरह से ब्लॉग कंप्लीट होएगा, बट अभी हम लोग जा नहीं पा। तो मैं इसमें यहाँ पे आ चुके हैं गाइस खुसरो कॉलेज के पास, कटरे से थोड़ा पीछे हैं, आज कटरे वाली ब्रिज चढ़ के जाके जा देखते हैं देखें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मुझे तो आज बहुत मुश्किल मिल लग रहा है क्योंकि यार आज हम 3 बजे निकले हैं, 3 बजे बहुत लेट हो गए ना। तो हर बार मैं पिछली बार ब्लॉग शूट कर निकला सुबह ही निकला था, सुबह ही वो लोग मुझे दोपहर में वहाँ पे हाईवे पे जा रहा था, बट कटरे जाना ठीक ठीक नहीं था, मेरे समय बोले इधर को मत जाओ क्योंकि 2-3 ब्लॉग वहीं के शूट हो चुके, और क्योंकि यार इस टाइम में निकले मतलब कोई मिलने वाला भी नहीं था, मैंने आपको बताया था मिले भी कोई नहीं क्योंकि यार 3 से ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो हम लोग इधर साइड से आ गए क्योंकि गाँव के रास्ता मैंने आपको बताया था, बट ये दूसरा गाँव, मुझे दूसरे गाँव में भी जाना है, अगर उस गाँव में गए तो वो भी दिखा देंगे। फिलहाल इस गाँव में जाते हैं, अगर कोई अच्छा लोकेशन मिला तो स्टंट भी कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं क्योंकि यार स्टंट बहुत हो गए ना, तो हर बार स्टंट करते हैं थोड़ा डर सा भी लगता है, फिलहाल करते तो अपने ऊपर मतलब बहुत है, मगर लोकेशन तो देखा जाए ठीक ठाक है अपने हिसाब से। इस गांव में आए हैं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब कचरा तो बहुत ही ज़्यादा है यार, पता नहीं यार कौन से गांव में आ गए। फिलहाल ये गांव तो थोड़ा देखने में ठीक ठाक लग रहा है, उस लोकेशन जो गए तो उस लोकेशन से काफ़ी बेस्ट लोकेशन लग रहा है। तो पीछे समीर भाई और मेरे निहाल भाई थे, लोग बैठे हैं, कोई अच्छा लोकेशन मिलता है वहाँ पर रुकते हैं, फिर 2-3 बिली। तो गाइस लोकेशन तो वैसे ही आ गए, मतलब हट के लोकेशन को समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसी जगह पे आ गए जैसे कि मतलब हर बार में पूछना पड़ रहा है, फिलहाल इस बार पूछ के निकल जाएंगे। इधर साइड से जाना, उस साइड में गए तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, फिलहाल उस साइड में अब नहीं जाना है क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, अगर जहाँ से निकलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बाद में हो जाएंगे आराम से, इधर से वहाँ से निकलने फिर तो अपने लोग हाईवे पर आ जाएंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जो दिक्कत है मतलब गली में हम लोग निकलना है क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है, हाईवे पर इधर से निकलना पड़ेगा, बट मैं हाईवे से जा नहीं सकता था क्योंकि वही लोकेशन फिर से आ जाता कटरे वाला, इस साइड से मुझे जाना पड़ा। कहाँ जाएंगे गई है, मतलब यहाँ से निकलना पड़ रहा है क्योंकि अगर वहाँ से आते तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, वहाँ पे मैंने देखा कुछ मतलब शॉकिंग होने वाला था, मैंने पहले गाड़ी घुमा ली वहाँ से इधर साइड से निकलने के लिए। कटरे जाना है यार दोस्त हर बार तुम्हारा भाई हटके लोकेशन सोचना चाहता है क्योंकि हटके लोकेशन मिलेगा तो यार वीडियो को कंटेंट भी कुछ हटके ही होगा हर बार। गाइस वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि अगर उस साइड से आते तो इधर अब हाईवे में आ गए क्योंकि अंदर से लोकेशन से गए थे तो वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि उस साइड में आने पड़ा एक ही लोकेशन आ जाता क्योंकि अब इधर से जाना पड़ेगा, अगर उधर से जाएंगे तो फिर से भाई वाला लोकेशन आ जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उधर से जाने में क्योंकि रास्ता बार बार पूछना पड़ रहा है। भाई सब गलियाँ भी ऐसी थी, आपने देखा होगा गलियाँ यार कैसी हैं, मतलब यार कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे कौन सी गली।
थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इधर से आने में, उधर से अगर जाते तो ठीक रहे, मतलब जो पूछना पड़ा यही बस प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत पूछने में, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं अगर कोई अच्छा लोकेशन मिलेगा तो इधर ही को चल देंगे, मतलब यहीं पर विली कर लेंगे भाई। यार मतलब इधर तो जंगल बहुत है यार, मुझे देखते हैं लोकेशन मिलता है नहीं मिलता। फिलहाल तो मिल जाना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, कटरे भी अंदर से निकल के आए थे और जो कटरे में आए वहाँ पर कोई लोकेशन नहीं मिला। अगर वहाँ पे आते तो, जो मैंने पहले ब्लॉग एक बार शूट करा था वहाँ पे घास उस थी, तो वहाँ पे यार थोड़ा काम हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ बन रहा है घर वगैरह, तो वहाँ पे भी यार प्लाट बिल्कुल खाली नहीं था। गलियाँ तो ऐसी बहुत भयंकर सी लग रही हैं, मतलब अगर मिलता है लोकेशन तो ठीक है। मतलब इधर अगर कौन कौन आया तो भाई कमेंट करना कौन कौन यहाँ आ चुका है, बट मैं तो यार मैं पहली बार आया यहाँ पर, आया तो इतना ध्यान नहीं है। अगर आया तो अगर आप लोग आए तो कमेंट कर देना, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब यार हो रही है वो मुझे पता है क्यों दिक्कत हो रही है, मतलब काम हो रखा है यार। बाद में कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे दिक्कत हो रही है क्योंकि यार यहाँ पे काम गांव वगैरह है तो दिक्कत हो रही है। यार यहाँ की गलियाँ देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता मतलब यहाँ पे लोकेशन कोई बेस्ट मिलेगा, फिलहाल देखते हैं एक बार। भाई यार गलियाँ देख रहे हो कितनी गंदी सी हो रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यार। देख रहे हो बहुत गंदा लोकेशन है, फिलहाल आना पड़ा यहाँ पे, प्रॉब्लम है थोड़ी यार। समीर भाई का कहना था यहाँ पे लोकेशन है, थोड़ा बहुत देखेंगे फिर बाहर जाना है। किधर से निकलेंगे? अरे चूँकि यार गलियाँ देख रहे हो भयंकर यार, इतना तो यार वहाँ पे गाँव में गया तो प्रॉब्लम नहीं, जितनी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। किधर को जाना अब, कहाँ से बाहर जाना है ब्रो? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो गई, मतलब आपने भी देखा गलियाँ यार कैसी कैसी थी, और मैं लोकेशन की बात कर रहा था भाई। यार यहाँ पे लोकेशन छोड़ो, गाड़ी भी घुमाने की जगह नहीं थी, तो यार मुझे लगता है इस बार लोकेशन नहीं मिलेगा, बट हम देख लेंगे थोड़ा वो लोकेशन अगर मिलता है। हाँ देखा यार, तो फिलहाल वहाँ से तो बहुत ठीक ठाक है, मतलब किधर से गए थे पता नहीं यार क्या था। तो रुकते हैं यार गाइस यहाँ पे थोड़ी देर, यार फाइनली इतनी बुरी तनाव से थक चुके हैं यार। न्यूट्री क्या कुछ कहना चाहो? गाड़ी खराब है यार तुम्हारी, और हाँ एक बात और, पेट्रोल ये पेट्रोल गिरा है पता नहीं कहाँ से छलक रहा था मतलब। तो गाइस यार ऐसा सीन हो गया, मतलब अभी हमने भी यहाँ पे 360 रोटेट करी थी, जो तुम्हारे भाई ने स्टंट करा था ना गाड़ी घुमाने वाला, पूरी तरह से पक्का होगा कहीं पे भी कर सकते हैं, बट यार बहुत सारी दिक्कत हो गई, ऐसी ऐसी गली में जाना पड़ा यार कि यार मतलब कहाँ से शॉर्टकट मारे। अभी तुम्हारा भाई वो गाँव बताया था मैंने, कहा तो गाइस यार यहाँ से निकलने हैं फटाफट, अपने हाईवे पे आ गए, वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि यार वहाँ पे स्टंट करे थे गाइस यार, इसी गांव में गए थे, बट यार पूरा गांव हम लोगों ने घूमा, मतलब इधर से शॉर्टकट रास्ता निकाल के पूरे गांव से इधर ही से गए थे और पीछे से हम लोग आ रहे हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं मतलब कहाँ।